नमस्कार, मैं मोनिका राठौर और आप देख रहे हैं इस वक्त अपडेट। आपको बता दें कि उज्जैन लोकायुक्त पुलिस ने भुरासा नगर परिषद के अकाउंटेंट को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। जी हां, अकाउंटेंट हरि ओम कचोली को 20,000 रुपए के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। मनीष यादव की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई। मनीष यादव नगर परिषद में पेयजल आपूर्ति का काम टैंकर के माध्यम से करता है। इसका 2,22,360 रुपए का पेमेंट बकाया था। अकाउंटेंट इसी रकम को जल्दी दिलवाने के बदले 40% हिस्सा मांग रहा था, जिसके बाद 20,000 रुपए पर सहमति बनी थी। ठेकेदार मनीष यादव ने मामले की शिकायत उज्जैन लोकायुक्त से कर पहले भी नगर परिषद के अकाउंटेंट के खिलाफ कई शिकायतें मिली थी। लोकायुक्त ने ठेकेदार की शिकायत सही पाई और तुरंत एक्शन लिया। पूरे प्लानिंग के तहत अकाउंटेंट को रंगे हाथों पकड़ने के लिए केमिकल लगे नोट दिए। जैसे आरोपी ने नोट पकड़े, लोकायुक्त ने वहां आकर आरोपी अकाउंटेंट हरिओम कचोरी को गिरफ्तार कर लिया। मनीष यादव ने ट्यूबवेल से 50 रुपए प्रति टैंकर के हिसाब पानी लिया गया था, जिसके लिए नगर परिषद द्वारा बिल का भुगतान किया जाना था। तो ये थी इस वक्त की अपडेट। इसी तमाम जानकारी और अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी पर। जय हिंद, जय भारत।